चलिए अगली खबर का रुख करने वाला है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज बेहद ही अहम बैठक होगी, जिसमें प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन सहित चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। मरवाही चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति के सामने बूथ कमेटियों से संभावित प्रत्याशियों को लेकर मिले नामों को रखा जाएगा और इन नामों का पैनल तैयार कर एक नाम तय करके आलाकमान को भेजा जाएगा। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक नामांकन शुरू होने के दिन ही होने के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम नामांकन की अंतिम तारीख के पहले ही तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस मरवाही उपचुनाव को लेकर खासी तैयारियां कर रही है। बैठक में यहां पर प्रचार की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस यहां पर स्थानीय लोगों को ही प्रचार की जिम्मेदारी देने पर जोर दे रही है। संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और यहां तक कि बिना अनुमति प्रचार में ना जाने के निर्देश को जारी कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत वैभव, मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज बेहद ही अहम बैठक है, प्रदेश प्रभारी पुनिया भी आज इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि कौन संभावित प्रत्याशी? देखिए रस्क, पीएल पुनिया इस बैठक के लिए आज रायपुर पहुंच रहे हैं। शाम 4:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और शाम 7 बजे जो है कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में जो दावेदार हैं उनके नामों पर चर्चा होगी। कोशिश ये होगी कि एक राय बना ली जाए और किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाकर जो है आलाकमान को भेज दिया जाए। हालांकि ये बहुत जो है कठिन जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि आसान नहीं है कि एक ही बैठक से जो है चीजें साफ हो जाए। दूसरी बात यह है कि अभी जो दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जोगी को चुनौती देने वाला कौन है, यानी जोगी परिवार को चुनौती देने वाला कौन है। ज्यादातर जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो नए चेहरे सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को भी जो है टटोलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि जब वहां पे अजीत जोगी के बेटे या फिर बहू दोनों में से एक कोई प्रत्याशी होगा, यानी कि अमित या ऋचा प्रत्याशी हुई, तो फिर उनके मुकाबले जो है कांग्रेस की तरफ से किसको मैदान में उतारा जाएगा। तो ये इन तमाम विषयों पे चर्चा फिलहाल जारी है, मंथन लगातार चल रहा है। और आज जब पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में ये बैठक होगी तो उसमें चीजें साफ होगी कि आखिर जो है मरवाही सीट से किसे मैदान में उतारा जाए। हालांकि हमने देखा कि अभी तक जो मरवाही है वहां पे जोगी परिवार का एक तरीके से दबदबा रहा है और बीते 20 सालों से वहां पे या तो अजीत जोगी ने प्रतिनिधित्व किया है या तो फिर उनके बेटे अमित जोगी ने। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल जिस तरह से अगर हम कल का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं, रेणु जोगी और ऋचा जोगी वो जाती हैं राज्यपाल से भी मुलाकात करती हैं, जाति मामले को लेकर ये पूरी मुलाकात होती है, और फिर उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए रेणु जोगी, क्योंकि लंबे वक्त से क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी वो थी, विधायक रह चुकी हैं और अभी वो जिस तरह से जेसीसी जो से विधायक हैं, उसके बाद जिस तरह से उनका एक जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्योंकि परंपरागत सीट है जोगी परिवार की मरवाही, तो उसके चलते कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए सीट को छोड़ देना चाहिए, इस तरह के भी स्टेटमेंट देते हैं, या तो इस स्टेटमेंट का क्या मायने निकाले जाए कि वो सीधे प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली है उसमें नहीं जाना चाहती है, वो सीधे सीधे वो वॉक ओवर लेना चाहती है कि भाई हमें आप दे दीजिए, हमारी जीत हो जाए और हम इस क्षेत्र का फिर से प्रतिनिधित्व करने लगे। बिल्कुल, कोशिश ये है रेणु जोगी की कि स्वर्गीय अजीत जोगी के जो सीट जो है मरवाही उस पे कहीं ना कहीं से ये संभव हो जाए कि जोगी परिवार के पास ही वो सीट रहे और वो सुरक्षित हो जाए। तो एक तरीके से सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश रेणु जोगी की तरफ से की गई है। चूंकि जाति का एक प्रकरण चल रहा है और चुनाव के ठीक पहले ये प्रकरण निकलकर सामने आए हैं जिसमें कि अमित जोगी भी फंसे हुए हैं, अब उनकी पत्नी ऋचा जोगी भी फंस गई है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों के बीच में चुनाव भी लड़ना है जोगी परिवार को, और कहीं कोई ऐसा मसला ना आ जाए जिससे कि अमित जोगी भी चुनाव ना लड़ पाए और ऋचा जोगी भी ना लड़ पाए। तो बेहतर यह है कि सरकार के समक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक दांव खेल दिया जाए और ये बता दिया जाए कि
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है और उसके लिए सपा और बीएसपी दोनों दल जो है सीट छोड़ देते हैं, तो उसी तरीके से कांग्रेस भी जो है यहाँ पे दरियादिली दिखाए और जोगी परिवार के लिए वो सीट छोड़ दे। छोड़ दे अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो जाहिर है कि फिर बहुत आसान हो जाएगा जोगी परिवार के लिए उस सीट को जीतना, क्योंकि बीजेपी के साथ मुकाबला वहां पे थोड़ा कमजोर नजर आता है। और सीधे बीजेपी सीधे मुकाबले यहाँ में पे कमजोर नजर मुकाबला आती है, जेसीसी जे और कांग्रेस कांग्रेस के चूंकि बीच में सत्ता। है, जेसीसी जे और कांग्रेस के बीच में ये सीधे सीधे मुकाबला है और इसी के चलते सहानुभूति कार्ड भी यहाँ पे जोगी परिवार के जरिए खेला गया है। चलिए आपसे अपडेट हम दिन भर लेते रहेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बगलोर में